सबक नंबर 18 है त्यौहार पंडित सुदर्शन। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने ले जाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा हाथी को अपना घोड़ा देखकर होती है। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा हाथी उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया माल असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक के उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब गाँव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बिगड़ नहीं रह सकूँगा, उन्हें वहन सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे, कहते ऐसा चलता है कि जैसे मोर घटा को देख कर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा रहते उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था, लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों तक पहुंची, इसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा हाथी के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा हाथी ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुका कर जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हूँ, कहो इधर कैसे आए।